जिस दिन सगाई फिक्स हुई उस दिन मेरा बर्थडे था, तो मुझे मेरा एक नया बेटा मिला अमन के रूप में। और मैं अमन और हर्षिता इन ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खुश रहे, हमने खूब सब मिलके खूब हमने उसकी तैयारी खूब अच्छे से की है। हम लोग का मीटिंग वॉज वेरी अनसक्सेसफुल, वेरी अनसक्सेसफुल। हम दोनों के बैक ऑफ द माइंड में था यार, इसको तो मना करने वाले हैं, सामने वाले से वाई भी मैच नहीं हो रही है। लेकिन लोग कहते हैं ना, बस ऊपर वाले ने जो सोच रखा है वो सोच रखा है। पूछ रहा दिल जाए या जाए ना तेरे साथ। एक्चुअली वुड वॉन्ट हिम द वे ही इज, आई लव हिम द वे ही इज। एंड उसकी हर उसकी गलतियाँ भी, मतलब उसकी जो गलतियाँ करता भी है ना, गुस्सा भी करता है, तो आई नो उसका एक प्रोटेक्टिव साइड निकल के आता है। थोड़ा सा जिद्दी है लेकिन वो सुधार सकते हैं। तेरे साथ, तेरे साथ, तेरे साथ, तेरे साथ, तेरे साथ, ओ तेरे साथ, तेरे। उसकी पसंद का है, यहाँ तक कि अमन भी उसी की पसंद का है। पसंद जरूर हमारी है, लेकिन अब वो हर्षिता की पसंद है। और आगे अब मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा हर्षिता के लिए कुछ नहीं बोल पाऊंगी। वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। उसके बिना मैं कैसे रहूँगी, मैं सोच भी नहीं पा। ओके, मिस यू बेटा। चली है मर्जियां, दे दे कोई तो इशारा, मांगू तेरा ही सहारा, मैंने तुझ पे ही अपनी है आसार किया। कट जाएगी ये जिंदगी तेरे साथ, ना तू सही, ना मैं सही, चलते रहेंगे एक साथ।